कब जारी फ्रेश होने के लिए। चलिए अभी हो गई आफ्टरनून और हम हो गए तैयार, और मैं बोल नहीं रही हूँ लेकिन आप शायद कुछ ना कुछ तो मिस कर ही रहे होंगे, और मुझे पता है आप क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, वेलकम बैक टू माय चैनल इब्राहिम फैमिली व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, और आप लोगों का लास्ट व्लॉग में इतना प्यार देने के लिए दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी दुआएं देते हो, और ये देख के आप लोग थोड़ा शॉक हो जाएंगे क्योंकि आज तक मेरे कोई व्लॉग में ऐसा देखा नहीं। एक्चुअली मेरी एक बहन है जिन्होंने ये यूट्यूब की एक बहन है जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि सर में हमेशा चुनरी ओढ़ के रखने के लिए, नहीं तो शैतान जो है कुछ समथिंग लाइक दैट उन्होंने बोला था, जो मुझे याद नहीं है, बट बहन ने सजेस्ट की बहन को, तो शायद अच्छा ही होगा कुछ सोच के मैंने बोला कि नहीं अब तो बिना सर ढके मैं ब्लॉग बनाऊँगी। और बस बहुत अच्छा लगा मुझे कल का रेस्पॉन्स देख के, आप लोगों का इतना प्यार देख के। हाँ, इक्का दुक्का नेगेटिव कमेंट्स भी आए, एंड थैंक यू नूर अपा कि आपने मुझे नूर नाया व्लॉग जो है नूर अपा आपने मुझे इतना गाइड किया, आपसे मुझे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आज बात करने वाले हैं शीला बाई के, मतलब कि शायद शैतानी, सत्तानी तो नहीं बोल सकते लेकिन शैतानी के जो प्लानिंग प्लॉटिंग है उसके बारे में, उसके जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो होता है। देखिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अगर यूट्यूबर्स के लिए भी होते हैं ना तो जो मिलियंस में है, ठीक है, मुझे जितना पता है जिनके मिलियंस में है फॉलोअर्स उनके लिए कोलैबोरेशन होता है, और अगर कोलैबोरेशन होगा भी तो 7 लाख वाले यूट्यूबर को कोई नहीं लेके जाता, ठीक है। ये झूठी औरत है, इसके पूरे पीछे का जो कारण है वो तो मैं आपको बताऊँगी, मैं जो प्लानिंग है क्या कारण है क्या नहीं है मैं धीरे धीरे इसी ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगी। और जो वो यस आइलैंड में गई ही, वो यस आइलैंड में कोलैबोरेशन के लिए उसको बुलाएंगे बुड्ढी को। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि इतना बड़ा एक ब्रांड है अबू धाबी में यस आइलैंड जहाँ का आइफा का अवार्ड शो हो रहा है, ठीक है, इसके लिए इतने बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटी है जो है यूट्यूबर जो है, आशीष चंचलानी बोल लो या फिर भुवन बाम बोल लो या फिर कैरी मिना, तो बहुत सारे, मुझे तो नाम भी उतना याद नहीं रहा, बहुत सारे बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं उनको बुलाएंगे कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। उसको क्यों बुलाएंगे भाई जिसके पास सिर्फ 7 लाख फॉलोअर हैं, आप मुझे बता दो उसको क्यों बुलाएंगे, और उसकी उम्र थोड़ी नहीं कि ये सब कोलैबोरेशन ऐसी जगह पर कोलैबोरेशन के लिए उसको बुलाएंगे। और अगर उसने आज एक वीडियो डाली उसमें उसने कोलैबोरेशन के लिए गई यस आइलैंड में घूमने को, तो वो अपने काम से गई, घूम रही है, व्लॉग बना रही है, क्या कोलैबोरेशन में क्या कर रही है वो घूम ही तो रही है आइलैंड में। और अगर कोई कोलैबोरेशन में जाता है तो पिक्चर्स क्लिक करता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ब्रांडिंग में बहुत सारी चीज़ होती है जो हमको भी नहीं होता वो करते हैं कोई। अच्छा आप बताओ, आप जा रहे किसी भी दुकान में कोलैबोरेशन को कोलैबोरेट करने, ठीक है, तो आप पहले जो चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन उस दुकान का बेसिक इन्फॉर्मेशन दोगे कि आप जाओगे सिर्फ दुकान के कपड़े देखोगे और व्लॉग बनाओगे, ठीक है। और अगर मान लो कोलैबोरेशन के लिए ये चैनल वालों को अबू धाबी वाली को किसी को बुलाना ही है तो वो सायरा सत्तानी को क्यों बुलाएंगे, आप मुझे बताओ। क्या वो भुवन बाम, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाती और भी जितने सारे बड़े बड़े मतलब के यूट्यूबर बैठे इनसे बड़ी हो गई वो, अब मुझे बताओ उनसे भी बड़ी है क्या? बोले कि इंस्टाग्राम देख के उसको मिला ये कोलैबोरेशन का ऑफर। अच्छा मान लो इंस्टाग्राम देख के भी कोलैबोरेशन का ऑफर मिला है तो इंस्टाग्रामर तो बहुत सारे जो जिसके उससे भी ज़्यादा मिलियंस में फॉलोअर्स है, ठीक है। जैसे कि ये मुंबई की एक है नीता शिमिलकर कर बोल के जो टिकटॉक स्टार है, उसका भी एक दोस्त भी है जो दोनों मिल के शायद टिकटॉक की वीडियोस बनाते, उसका तो 8 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स है। आवाज़ दरबार हो गए, नगमा मीरांजकर हो गई, गौहर खान हो गए, जायद दरबार हो गए, ऐसे बड़े बड़े इंस्टाग्राम में जितने ही फॉलोअर्स हैं उनको बुलाएंगे कि सायरा सत्तानी को बुलाएंगे, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, सच क्या है? सच ये है जो लास्ट टाइम वो दुबई में गई थी, ठीक है, किसी शेख के साथ उसका समझ जाओ, आजकल बोलती ना बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती वो,
तो समझ जाओ, तो बोलते ना समझ जाओ, तो आप लोग भी समझ जाओ कि वो जो दुबई में गई थी ना, समझ गए ना, शेख का अभी शेख इंडिया का खा क्या हुआ ने, शेख का खाने चले गई, तो उसका ही रिलेटेड कुछ काम होगा आईफा का उसी होटल में, तो उसी होटल में उसको ठहराया। समझ जाओ, छोटे बेटे को बोले कि छोड़ दिया, कोई छोड़ा वोरा कुछ नहीं, ठीक है, सारे एक ही साथ गए हैं, ठीक है। ये सब व्लॉग में ये तमाशा कर, ये जो नौटंकी है ना व्लॉग के बीच में, जो लड़के ने बोला अरे मम्मी वो गेंडे जैसे शरीर में जो क्या बोलते हैं गधे जैसी आवाज़ वाली एनाकोंडा है ना, बेबी एनाकोंडा, वो भी उसकी माँ के साथ ही गया था, बस उसको व्लॉग में नहीं लिया, या तो वो गेंडा आगे आगे चल रहा था, वो पीछे से ऐसे करके शूट कर रही थी उसको और अली को दिखा रही थी, ठीक है। और वो होटल रूम में जी बाद में वो घुसा ना, ये सब उसकी चाल है बस व्यूज़ के लिए, ठीक है। ये आईफा वाइफा कुछ नहीं गई, वो शेख के साथ मज़े लेने गई और वो मज़े ले भी रही है, ठीक है। और छोटा बेटा बड़ा बेटा दोनों ही उसके साथ ही गए मज़े करने को शेख के पैसों के ऊपर, क्योंकि अब तो इंडिया में बहुत लूट लिया, और आयुब रंताक शेख को तो फंसा के 15 लाख खा लिया, अब इंडिया में मज़ा नहीं आ रहा उसको, क्योंकि उसको चाहिए और ज़्यादा माल वाला आदमी, अब और ज़्यादा माल वाला आदमी कहाँ मिलेगा उसको दुबई में। और ये जो बीच में उसने व्लॉग डाला था ना, ये कौन सा कंट्री वो गई थी कि बगदाद शरीफ का, तो बगदाद शरीफ में वो ज़ियारत करने नहीं गई थी, वो बगदाद शरीफ में भी वही करने गई थी, और सब लोग बोल भी रहे थे गई ना गई। और जब ये भी उसने बोला था ना सरप्राइज़ है सरप्राइज़ है सरप्राइज़ है, ये सरप्राइज़ सरप्राइज़ कुछ नहीं है, उसको जाना था वो शेख के साथ के लिए, समझ जाओ। और वो बोल रही कौन तो भी यस आइलैंड का ऐड किया था, और मुझे भी मैं क्लिप ऐड कर दूंगी, मुकाम मिला, ठीक है, आप पहले क्लिप देख लो, फिर आप मैं बाद में आप लोगों से बात करती हूँ, पहले आप क्लिप देख लो। तो माशाल्लाह ये सारा जहाँ आने से खाने से रहने से ट्रैवल से जो भी अरेंजमेंट मैम दूसरी जगह पे किया है, जहाँ अरबिक सारा खाना और अरबिक मोस्टली लोग बैठे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उनकी फैमिली के साथ वो इतनी इंजॉय कर रहे थे, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे वहाँ पे उन्होंने मेरा अरेंजमेंट करवाया था। और ये देखिए क्या खाना पसंद करेंगे, उन्होंने स्पेशली मुझे पूछा, तो मैंने फिश खाए, प्राउन्स खाए, हुक्का पिया वहाँ पे, और बहुत सारी चीजों को इंजॉय किया। और लाइफ के लिए मेरे सारी जो मेरी ये जर्नी है उसके कुछ जस्ट फ्रेश होने को आई रेस्टोरेंट से देखा आप लोगों ने ब्लॉग। तो ये जो सारा कच्चा चिट्टा मामला है ना, ये आईफा अवार्ड के लिए जिस होटल में ऑर्गेनाइज किया गया है, उस होटल में शेख ने उसको रखा, क्योंकि भाई वो शेख है, और अगर वो भी कुछ तो उसको वैसे ही होटल में रखेगा ना भाई, समझ रहे हो, समझ जाओ बस आप, मैं कुछ एक्सप्रेस तो नहीं कर पाऊँगी, बस आप समझ जाओ। अब शेख को फंसाई माल के लिए, आप तो उसके जब इंडिया में आएगी सुनोगे उसके, मैंने बहुत जगह में अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट, अब उसके नए नए इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत सारी जगह में अब उसकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, अब देखो बस कुछ साल बाद तो उसका जो पेट्रोल डीजल का कुआ है ना वो भी देख ले, एक आधा उसके नाम से हो जाएगा। अरे हम तो जवानी में बुढ़े हो गए, आजकल देखो आंटियाँ क्या करी, आंटियाँ शेख को फंसा रही, चल रहा एक गुज्जू को फंसाई, गुज्जू भाई को उसके ऊपर उसको भी चूना लगा डाला 15 लाख का, और एक तो फंसाई थी क्या बोलते हैं पारसी मुसलमान, उसका उससे भी लूटा, और बाकी तो चिल्लर चल्लर सा है उसके पास। अल्लाह खैर मनाए ऐसे औरतों से, मैं सच में बोल रही हूँ, अल्लाह ऐसी माँ देने से तो कोई माँ ना ही दे वही बेहतर। और वो
बस उसको मम्मा मम्मा ऐजा चटाई पर पहन पहन के दूध का बॉटल मुँह में डाल के टीवी देखता बैठ, कब तक मम्मा 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 करता रहेगा। अभी साले तेरी बेटी भी ऐसी होंगी, चिंपांजी के बॉडी में गेंडली की औलाद, एनाकोंडा का बच्चा। तेरी माँ नंगी नाच नाचती है, तुम लोगों को तब तक सेंस भी नहीं आता। और ये बोल रही थी ना अली का काम, अली का काम बच्चों का काम, वो भी ये शेख से ही इन्वेस्ट, बेटी के नाम पे, बेटों के नाम पे शेख से ही इन्वेस्ट कराने के लिए बच्चों को लेके गई है। ये तुमको लगता है बच्चों के ऐसी लेके गई? छोटा वाला तो उसके साथ ही जाता है दल्ला लोग। अच्छा है ना उसका बेटा दल्ला, कम से कम दल्लों का पैसा तो उसको नहीं देना पड़ता, दल्लों का पैसा तो नहीं देना पड़ता है कि नहीं? दल्ला उसका बेटा है, दल्ला तो घर में ही बना लिया बेटे को, ठीक है हर चीज मम्मी है, मम्मी 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 मम्मी। शिपाही के बॉडी में गधे की औलाद, मैं क्या बोलूँ उसको, मैं तो छिपकली के मतलब के मुँह के मतलब क्या बोलूँ उसको, दिन भर मम्मी 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 मतलब के तेरे को बोलू गधेरे, तेरे को शर्म आनी चाहिए, कुछ तो शर्म कर, मर्द बन मर्द। माँ को नचवा नचवा के कमा रहा है, माँ से दुबई में शेख के साथ करके स्पॉन्सरशिप ले रहा है अपने धंधे के लिए, अपने भाई के धंधे के लिए है, पैदा किसी और ने करा, स्पॉन्सरशिप धंधे के लिए किसी और से ले रहे हो, और बड़े होने के लिए पैसे किसी से और से लिए, पूरी ज़िंदगी तुम लोगों की खैरात में चलेगी, तुम लोग क्या दोगे दूसरों को खैरात, तुम लोग की अच्छी ज़िंदगी होगी खैरात की है? भोसरी वालों कुछ तो शर्म करो, बेटा है कि क्या है, इससे अच्छा दूसरों की। और उसकी आपने मेकअप देख, मतलब आपने सारे सत्तानी का पहले का मेकअप देखा होगा ना, ये मोटे मोटे काजल, ये काले काले लिपस्टिक, ये बाल खुले, आपके उसका मेकअप देखे कोई मूवी में किसी से रिलेटेड कुछ समझ में आया नहीं आया? गंगूबाई काठियावाड़ी का जो शक्ल है ना, जो मेकअप है ना, बिंदी छोड़ के, बस बिंदी छोड़ के उसके जो मेकअप है ना, ये मोटे मोटे काले, ये मतलब के डार्क कलर की लिपस्टिक, उसका गंगूबाई काठियावाड़ी और सायरा सत्तानी दोनों को एकदम मिला के देख लेना एक बार, आप गौर करना सायरा सत्तानी की वो साड़ी वाली जो फोटो होती है पहले की वो, और गंगूबाई काठियावाड़ी का आलिया भट्ट की पिक्चर शक्ल, आप देखना किससे मिलती है, समझ जाओगे आप लोग बहुत अच्छे से। तो ये सब भाई उसका कोई कोलैबोरेशन वोलेबोरेशन नहीं है, वो सिर्फ आप उसको व्लॉग तो बनाए नहीं है डेली व्लॉग्स की, इधर से तो उसको कमाना है, ठीक है। और शेख के साथ भी जाना है दोनों बेटों के नाम पे स्पॉन्सरशिप करने, ठीक है। अब अली के लिए गाली लेना है, गाली का धंधा करना है, अमीन के लिए क्या तो भी वो कर रही है, उसके लिए पैसे चाहिए उसको, ठीक है, उसके लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए। अब उसने तो स्किन टाइटनिंग, चमड़ी वमड़ी मुँह की टाइट करवा ली, अलग से बाल बाल नाखून वाखून सब तो लगा ही लिया। आप शेख के पास जाएगी तो थोड़ा तो ऐसा तो सकीना बन के जाना ही पड़ेगा शेख के पास, बिना सकीना बन के जाएंगे तो शेख तो मुँह पे भी ना लगाए, ठीक है। तो अब वो जा रही व्लॉग तो बनाना ही है, अब व्लॉग बनाएगी दुबई में सडनली तो लोगों को क्या बोलेगी, अब लोगों को तो बोलना ही, अब गंगी बोलते ना कि बहती गंगा में हाथ धोना, अब लोगों को बोल रहे हैं कि मेरे को कोलैबोरेशन मिला, कहाँ है तुझे रिसीव करने एयरपोर्ट पर कोई नहीं आया, ठीक है। मतलब एक होता ना भाई कोलैबोरेट अगर कोई करता है, जैसे जनरल जुबैर लोग जब दुबई में जाते हैं तो वो जो कोलैबोरेट करते हैं ना तो उनको दिखाई देता है कि हाँ भाई वो सही में कोलैबोरेशन के लिए जाते हैं। तू जो कोलैबोरेशन में गई, तू और अली और तेरे दोनों बच्चे, तेरे अलावा तो कोई नहीं दिखा, और तुम जहाँ पे खाना भी खा रही थी, मच्छी वाला चावल खा रही थी, वहाँ भी तो कोई नहीं दिखा, पूरे व्लॉग में तो तू अकेली थी। अब बोलेगी नहीं मैं उन लोगों को दिखाना नहीं चाह रही थी, अरे सुअर की मुँह की औरत, अरे तेरे को बोल रही, तेरे को बुढ़ी, कब तक झुलस गया होगा नीचे का माला झुलस गया, अरे दोजख के आग में जलेंगी, तो शर्म कर शर्म। इस उम्र में तुझे जमातों में जाना चाहिए था, नमाज की पाबंदी होनी चाहिए थी, अल्लाह रसूल के बारे में जानना था, बात करना था, हम जैसे औरतों को सिखाना चाहिए था, और तुम्हारा पे दुबई में जाकर शेख के साथ करियर कितों को लूटेगी, लोगों को लूट रही कि खुद को लुटा रही, खुद को लुटा के लोगों को लूट रही, तो है कि नहीं है, खुद को लुटा के वो लोगों से लूट रही ना, वो साथ में दो बच्चे भी अभी खड़े होगा दल्लों के लिए, बड़े वाले को तो वो उसका माँ है कि बहन है, तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि अली की जो शक्ल है वो सायरा सत्तानी के माँ के साथ मिलता जुलता है। अब ये उसके माँ का बेटा है कि ये सायरा सत्तानी का बेटा है, उसमें भी मुझे कन्फ्यूजन है, मालूम उसमें मुझे कन्फ्यूजन है। अमीन का तो चलो शक्ल से मालूम पड़ता है कि ये काशिफ का ही नजायज़ औलाद है, ठीक है, नजायज़ नहीं होता ना
तो सायरा हत्ता ने आपको लगता है इतने साल तक चुप बैठती। अरे दो तीन दिन पहले के व्लॉग में बोला क्या काशिफ जब इस दुनिया छोड़ के चले गए, मेरी माँ जो दुनिया छोड़ के चले गई, वो तो अभी भी मानने को राजी नहीं कि काशिफ जिंदा है। अब भी वो स्वीकार नहीं करे कि काशिफ जिंदा है, पूरी दुनिया को पता है काशिफ अंकल जिंदा है, लेकिन वो कभी मुँह से मान ही नहीं रही है। तो भाइयों उसके जो बहकावों में भाइयों और बहनों जो भी है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी ये जो छल बल कल कोशिश हो रहा है, एक तो पैसा इतने का शेख से के नाम पे छोड़ दे, दूसरा अब व्लॉग में व्यूज़ तो आना है। अब अगर वो बोलेगी मैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में जा रही हूँ, ठीक है, तो इन्होंने अभी सुसु कर दिया, मेरी बेटी ने सुसु कर दिया, तो ये चेंज किया मैंने। ये है अनम मेरी बेटी, ये है इब्राहिम अली मेरा बेटा। तो मैं वही बोल रही थी अब उसको व्लॉग्स में व्यूज़ भी कमाने हैं, क्योंकि 7 लाख सब्सक्राइबर बोले, मोर नंबर्स बोले, चलो उसकी इंग्लिश में बैठ ले इंग्लिश में, और व्यूज़ आते हैं 30,000 20,000 ऐसे व्यूज़ आते हैं उसके, और जिस दिन वीडियो अपलोड करते उस दिन तो 8-9 हज़ार से ज़्यादा आते नहीं है व्यूज़। तो उसको चैनल भी चलाना है, ऐश भी करना है, खैरात भी लाना है शेख से, ज़कात भी लाना है शेख से, कुछ तो अभी बोलना पड़ेगा ना। तो उसने यही दिया। अच्छा तो आप बताओ अबू धाबी में या आइलैंड में इतने बड़े बड़े इंस्टाग्रामर बैठे, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं, वो सायला सत्तानी को क्यों ढूंढेंगे? और वो क्या सा कोलाबोरेशन करती है, वो नाखूनों का, साड़ियों का और मुंह ऐसे घिसने का, इसमें कौन सा यस आइलैंड वाली बात है? आप मुझे बताओ कि यस आइलैंड वाली कोलाबोरेशन करने वाली उसमें क्या बात है, ऐसे बता दो। आप मुझे बताओ क्या ऐसी ऐसा एक टैलेंट देखा होगा यस आइलैंड वालों के एम्बेसडर ने कि उसको बुलाया होगा? वो जो टुच्चे टुच्चे पार्लरों में जाके मुँह ऐसी टाइट कराती है, हैं आप मुझे बताओ उस वो कैसे कोलाबरेट करेंगे? और उसको बोला कि मैम आपको अगर ये व्यू पसंद ना आया है तो हम दूसरे रूम भी दे देंगे। हो तो भाई दीपिका पाडुकोण है कि क्या समझे, आलिया भट्ट समझे खुद को बुढ़िया? अरे बुढ़िया कवर में जाने का टाइम हो गया, तौबा कर, अल्लाह रसूल का नाम ले, नहीं तो ऐसा हो जाएगा घर में मरी पड़ी रहेंगी, बेटे बाहर होंगे मुँह में पानी तक देने को कोई नहीं होगा, शर्म कर शर्म बुढ़ी तेरे। तो मतलब कि मेरे एक दो भाई बहन ने बोला कि उसको मतलब कि व्लॉग में आप अपना मुंह मत ख़राब करो, कल का व्लॉग देखिए, इसीलिए मैंने आज बहुत कंट्रोल किया। और तेरे ये मेंढक के मुंह का बेटा है ना, उसकी उसको वो भी कभी शादी करेगा, वो भी कभी बाप बनेगा, और उसकी भी बेटी तेरी तरह ही निकलेगी, टेंशन मत ले। खैर चलिए ये तो बता दी उसके कोलैबोरेशन का और दुबई का सच जो भी है आप लोग भी जान लो। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, और मुझे इतना सारा प्यार देने के आप लोगों को दिल से थैंक यू एंड आई लव यू ऑल, जो भी है जो जो मुझे आप लोग मैसेज करते हो, मुझे सॉरी कमेंट करते हो, मुझे कमेंट पे सपोर्ट करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है एंड अल्लाह आप सब लोग की हिफाजत करे, सबकी जायज़ मुरादें पूरी करे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय।